इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कॉस्मेटिक थ्रेड क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने M10x30 का बोल्ट एंड नट बनाया था। आज हम उसमें कॉस्मेटिक थ्रेड यूज करेंगे। कॉस्मेटिक थ्रेड को बनावटी थ्रेड भी कहते हैं। थ्रेड वन को डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पर कॉस्मेटिक थ्रेड यूज करेंगे। कॉस्मेटिक थ्रेड आप दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला, आप इस एरो पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें और एनोटेशन पे क्लिक करें और कॉस्मेटिक थ्रेड, तो आपका कॉस्मेटिक थ्रेड एक्टिव हो गया। दूसरा, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे सर्च बार दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करें और टाइप कीजिए कॉस्मेटिक थ्रेड, तो कॉस्मेटिक थ्रेड पे क्लिक करें, तो आपका कॉस्मेटिक थ्रेड एक्टिव हो गया। कॉस्मेटिक थ्रेड में सर्कुलर एज, स्टैंडर्ड टाइप, साइज और एंड कंडीशन सेलेक्ट करना होता है। ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए। चलिए सर्कुलर एज सेलेक्ट करते हैं, तो हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड में मेनी टाइप्स दिया गया है, NC इंच, NC मैट्रिक, AS, BSI, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे NC मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे और टाइप में मशीन थ्रेड, स्ट्रेट पाइप, टैप्ड थ्रेड, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे मशीन थ्रेड सेलेक्ट करेंगे और साइज M10x1.5 और एंड कंडीशन में ब्लाइंड, अप टू नेक्स्ट और थ्रो, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे ब्लाइंड सेलेक्ट करेंगे और डेप्थ का डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 25 एंटर करेंगे और ओके कीजिए। हमने यहाँ पर कॉस्मेटिक थ्रेड यूज कर लिया है, पर ये शो नहीं कर रहा है, तो शो करने के लिए इस ऑप्शन वाले एरो पे क्लिक करें और ऑप्शन पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और डिटेलिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और ओके कीजिए। तो ये देखिए हमारा कॉस्मेटिक थ्रेड दिखाई दे रहा है। अब हम M10 नट में कॉस्मेटिक थ्रेड यूज करेंगे, तो चलिए ओपन करते हैं। M10 नट ओपन, थ्रेड टू को हम डिलीट करेंगे। अब हम इंसर्ट करेंगे एनोटेशन कॉस्मेटिक थ्रेड, सर्कुलर एज में हम ये एज सेलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड में NC मैट्रिक और टाइप में मशीन थ्रेड्स और साइज M12x1.25 mm पिच और एंड कंडीशन में हम ब्लाइंड रखेंगे
और इसका डेप्थ का डायमेंशन इनपुट करेंगे 10 mm, एंटर और ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड लगा हुआ है पर ये शो नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन के बगल में कह रहा है इस पर क्लिक करें और ऑप्शन पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और डिटेलिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और ओके कीजिए। तो ये देखिए अब कॉस्मेटिक थ्रेड दिखाई दे रहा है। ये था कॉस्मेटिक थ्रेड, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।